अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल करम से आप लोग खैरियत से इंशाल्लाह। अल्लाह आपको खैर आफियत रखे। देखिए भाइयों, मस्जिद में दाखिल होकर पैंट को फोल्ड क्यों करते हैं? टकना नजर आने के लिए, है ना। ये कौन सी हदीस में लिखा है कि मस्जिद में दाखिल होने के बाद पैंट को फोल्ड करना? कोई हदीस साबित है? कोई हदीस साबित नहीं। हदीस साबित ये है कि मर्द के लिए हर वक्त पैजामा, पैंट, लुंगी जो भी हो, टकने से ऊपर होना चाहिए। और मस्जिद में जाकर खास कर उसको फोल्ड कर देना, वो जायज़ नहीं। एक हदीस में आता है, ये पैंट, शर्ट, बाल ऊपर की तरफ जो फोल्ड कर देना, वो जायज़ नहीं है नमाज के वक्त। और एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा अपनी पैंट, पैजामा, लुंगी जो भी टकने से नीचे लटकाता है, वो जहन्नम में होगा। अल्लाह अकबर। कौन करें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुनाह क्या है? छोटी सी गुनाह, टकने से नीचे लटका रहे, कहाँ लेके जा रही है? जहन्नुम में। अल्लाह अकबर, क्या कर रहे हैं हम लोग। हाँ, और एक हदीस में आता है, कयामत के दिन अल्लाह ताला उस बंदे को देखेगा तक नहीं। जब अल्लाह ताला देखेगा नहीं तो उस बंदे की मगफिरत कैसे होगी? अल्लाह अकबर, क्या कर रहे हैं हम लोग। 1000 रुपये की पेंट ले सकते हैं, 100 रुपये दे के फिटिंग नहीं करा सकते। अरे कभी फिटिंग करा के पेन के दे, देखो कितना अच्छा लगता है। हाँ, आजकल देखो वेस्टर्न कल्चर के लोग जो नॉन मुस्लिम बड़े बड़े जो स्टार हैं, आज हर देख लो फैशन कर रहा है। क्यों? अच्छा लग रहा है। अभी हमारे मुसलमान नौजवान क्या बोलेंगे? अरे चल यार, स्टाइल की स्टाइल भी हो जाएगा, सुन्नत को सुन्नत भी हो जाएगा, ये समझ करेंगे ना तो वल्लाही उसका सवाब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कब बताएं? 1400 साल पीछे। अब हम लोग इनका देख के करेंगे क्या? अल्लाह हो एक बार, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान मर्द को पैंट, पैजामा, लुंगी जो भी हो, टकने से ऊपर रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।